आज के इंसान को जब देखते हैं, आज के इंसान को जब ऑब्जर्व करते हैं, आज के इंसान के ऊपर जब नजर डालते हैं तो लगता है आज के आदमी को हैप्पीनेस में इंटरेस्ट कम है, रिचनेस में इंटरेस्ट ज्यादा है। आज के आदमी की यह फितरत है, आज के आदमी की यह मानसिकता है, आज के आदमी की यह मनोदशा है, उसको हैप्पीनेस में इंटरेस्ट बहुत कम है, रिचनेस में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। आज दुनिया में होड़ मची पड़ी है रिच बनने की, हैप्पी बनने का किसी को ख्याल तक नहीं। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आपके पिताजी के पास, आपके दादाजी के पास संपत्ति आपसे कम थी, आपके पिताजी के पास, आपके दादाजी के पास रिचनेस शायद कम थी, लेकिन हैप्पीनेस आपसे कई ज्यादा थी। वो छोटे से घर में 15, 20, 25, 30, 40, 50 लोग रह लेते थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी, कोई परेशानी नहीं आती थी, बड़े आराम से अपने जिंदगी का गुजारा कर लेते थे, कोई हाय हाय नहीं थी, कोई पैसे के पीछे भागना नहीं था, कोई पागल बन के संबंधों को तोड़ना नहीं था, वो संबंधों को निभाते थे, पैसे के सामने बाद में देखते थे, मन की शांति के सामने पहले देखते थे। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना, आपके पास पिताजी से ज्यादा पैसे जरूर है, लेकिन पिताजी से साथ ज्यादा मन की शांति और प्रसन्नता। आज का इंसान मात्र और मात्र रिचनेस के पीछे लगा हुआ है, और रिचनेस के पीछे भाग करके उसने पाया क्या? स्ट्रेस, टेंशन, परेशानी, रात की नींद गई, दिन का भोजन गया, परिवार के संबंध गए, जीवन में से धर्म गया, गुरु की भक्ति गई, हर चीज चली गई, लेकिन फिर भी आज के इंसान का एक ही गोल है, मुझे रिच बनना है। अरे समझ लेना, रिचनेस और हैप्पीनेस जब जब आपके सामने दो ऑप्शन आए, आपने ऑलवेज रिचनेस के ऊपर अपनी मोहर लगा दी। आदमी बैठकर सोचता नहीं कि इतना भागकर मुझे मिलेगा क्या, प्राप्त होगा, ऐसी कौन सी चीज मुझे मिल जाने वाली है, ऐसा कौन सा मुझे पदार्थ मिल जाने वाला है, ऐसी कौन सी चीज की मुझे उपलब्धि हो जाने वाली है जो मेरे जीवन को सफल बना देगी, एक भी चीज नहीं मिलती। अंततः आदमी हार जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना, जीवन में एक बार चेक जरूर कर लेना, अपने आप को देख जरूर लेना कि हैप्पीनेस में इंटरेस्ट ज्यादा या रिचनेस में इंटरेस्ट। सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना, अपने आप को देखना, मैं इतना भाग रहा हूं, हर चीज को छोड़ करके भाग रहा हूं, अंततः मिलता क्या है, अंततः मुझे प्राप्त क्या हुआ, एक बार बैठ करके जरूर सोचना। आपको शायद पता हो 2019 जुलाई में साउथ इंडिया के मैंगलोर में एक उद्योगपति ने आत्महत्या कर, उसका नाम था विजी सिद्धार्थ। समझना, जो व्यक्ति, जो इंसान ये सोचता है कि मेरे पास पैसे आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, समझ लेना, धनवान बनना अलग है और सुखी बनना अलग है। हम शायद धनवान नहीं है लेकिन सुखी जरूर है आपसे ज्यादा। धन और सुख का शायद कहीं कोई मिलान नहीं है, और इसलिए मैं आपको गारंटी के साथ कहना चाहता हूं, समझ लेना, संसार में जितने भी धनवान है उतने सुखी है उसकी कोई गारंटी नहीं। आप लोगों के मन में भ्रमणा हो, आजकल के यंगस्टर्स, आजकल के युवक युवतियां ये सोचते हैं कि हमारे पास 50, 100, 200 करोड़ हो जाएगी हम सुखी हो जाएंगे, हमारा जीवन वेल सेटल हो जाएगा, हमारे जीवन में शांति मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको कहता हूं, और मैं कहता हूं इतना नहीं, आप संसार में धनवानों से जाकर के मिल सकते हो, उसको पूछ सकते हो कि क्या तेरे पास 100 करोड़ रुपए आ गए, तुझे सुख मिल गया, तुझे शांति मिल गई। 2019 जुलाई में वो विजय सिद्धार्थ अपनी गाड़ी लेकर के निकला, एक पुल के पास अपनी गाड़ी खड़ी रखी, गाड़ी को खुली छोड़ दी, पुल के ऊपर से नीचे गिर के आत्महत्या कर ली। पूरे भारत भर में 550 आउटलेट, 9000 करोड़ की कंपनी वैल्यू, सीसीडी का मालिक, और फिर भी आत्महत्या करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि जीवन में रिचनेस को आगे रखा, हैप्पीनेस को पीछे रखा। ऐसे कई उदाहरण मैं आपके सामने पेश कर सकता हूं, चाहे उद्योगपति की बात हो, चाहे बॉलीवुड के सितारे की बात हो, सुशांत सिंह राजपूत आपको पता है, यही भोपाल इंदौर में प्रत्युषा बैनर्जी आपको पता है,
क्यों लोग ये रास्ते पर जा रहे हैं? क्योंकि और कोई रास्ता नहीं दिखता जीवन का। यदि लक्ष्य बना लिया कि हमें रिचनेस के पीछे पागल बनना है, हैप्पीनेस को छोड़ देना है, तब जाके आदमी के सामने ये सुसाइड की घटनाएं मौजूद होती है, आदमी को मरने का रास्ता चुनना पड़ता है। मैं कहता हूं 550 आउटलेट पूरे भारत भर में, 9,000 करोड़ की संपत्ति, और फिर भी आदमी को आत्महत्या करनी पड़े, इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है कि जीवन में रिचनेस इंपॉर्टेंट नहीं है, जीवन में हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है। एक दुकान है और 9,000 रुपए महीने कमाते हैं, वो भी शांति से अपना जीवन जी लेते हैं, और 550 आउटलेट्स के बावजूद, सीसीडी का मालिक होने के बावजूद उसको आत्महत्या करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि जीवन में रिचनेस को आगे रखा। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, अपने आप को जीवन में जरूर चेक करते रहना कि रिचनेस में इंटरेस्ट ज्यादा या हैप्पीनेस में इंटरेस्ट ज्यादा। धन और सुख का कोई मिलान नहीं, धनवान सुखी हो उसकी कोई गारंटी नहीं। पैसा जितना बढ़ता जाए उतना सुख शांति समाधि जीवन में बढ़ेगी उसकी कोई गारंटी नहीं। और इसीलिए मैं आज आपको 4 चेकिंग पॉइंट बताऊंगा कि चेक कर लेना आप खुद को, अपने आप को, कि जीवन में हमारी दिशा कौन सी है, रिचनेस या हैप्पीनेस, दोनों साथ में मिलता हो तो वेल एंड गुड। मैं मना नहीं करता, आप पैसे कमाओ, धर्म के रास्ते पर खर्चो, बड़े आराम से मौज शौक करो, जीवन जियो, जीवन का आनंद लो, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि जहां जहां आपके पास दो ऑप्शन आ जाए, या तो मन की शांति बच सकती है या तो पैसे बच सकते हैं, मैं गारंटी के साथ कहूंगा मन की शांति को चुन लेना, पैसे को मत चुन। दोनों आपको मिलता हो, आपका पुण्य हो, बड़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हैप्पीनेस के भोग के ऊपर हमें रिचनेस जीवन में नहीं चाहिए। अरे शायद आपको ना पता हो, पिछले साल करीबन भारत में 1,000 डॉक्टरों ने आत्महत्या करी। क्यों करी? बहुत पैसे थे, कोई महीने के 5 लाख, कोई 7 लाख, बड़े बड़े अस्पताल में, बड़ी बड़ी जगहों पर, बड़े बड़े स्टैंडर्ड जगहों पर वो बैठे हुए थे, हजारों लाखों रुपए के मालिक थे, बस एक ही चीज की कमी थी, हैप्पीनेस नहीं थी, रिचनेस बहुत थी। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, सेल्फ चेकिंग कर लेना कि रिचनेस या हैप्पीनेस, हम किस और आगे बढ़ रहे हैं। पहली बात, रिचनेस वाले को पदार्थ में इंटरेस्ट ज्यादा होता है और हैप्पीनेस वाले को प्रेम में इंटरेस्ट ज्यादा होता है। रिचनेस वाला जब घर से बाहर निकलता है तो ये सोचता है कि मेरा शर्ट कौन सा है, रेमंड का है, अरमानी का है, कौन सा है, बेस्ट शर्ट पहन के मैं निकलू, लिनन का कपड़ा है, कौन सा कपड़ा है, हर चीज मेरी ब्रांडेड होने चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए, जेब में मोबाइल है, एप्पल का नया लेटेस्ट 13 प्रो होना चाहिए, हर चीज ये सोचता है, पदार्थ मेरे पास बढ़िया होना, पैर में जूते पहने हैं बढ़िया 20-25 हजार के होने चाहिए, पैर में सॉक्स पहने हैं बढ़िया होने चाहिए, पेन रखी है जेब में वो क्रॉस की, माउंट ब्लैंक की अच्छे से अच्छी होनी चाहिए, चश्मे की फ्रेम बढ़िया होनी चाहिए, उसकी दृष्टि एक ही है, पदार्थ मेरे पास बढ़िया हो, चीजें मेरे पास बढ़िया हो, ये रिचनेस की निशानी है। और हैप्पीनेस वाला ये सोचता है कि प्रेम मेरे पास ज्यादा हो, वो जेब में 100 रुपए लेकर के भी निकलता है, समझ लेना रिचनेस वाला 100 रुपए लेकर उसके जेब में शायद 100 रुपए हो गए, लेकिन सिग्नल के ऊपर खड़े रहकर के भिखारी के हाथ में 100 रुपए दे दे उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन हैप्पीनेस का जो मालिक होगा उसके पास शायद 100 ही रुपए हो गए, लेकिन फिर भी उसमें से 50 रुपए निकाल करके भिखारी को दे देगा, ये प्रेम की ताकत है। मैं कई बार कहता हूं, मंदिर में जाके आप भंडार में 10, 20, 25, 50, 100 रुपए डालते हो, लेकिन मंदिर में बाहर बैठे हुए भिखारी के आपको 10 रुपए देने का मन नहीं होता है, तो समझ लेना आपका दर्शन निरर्थक। हैप्पीनेस या रिचनेस चेक करते चलना जीवन में, हम कौन सी दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी दिशा कौन सी है, दिशा को बदलना पड़ेगा वरना जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए पहला चेकिंग, यदि आपका इंटरेस्ट पदार्थ में ज्यादा है तो समझ लो आप रिचनेस की ओर आगे बढ़ रहे हो, और यदि आपका इंटरेस्ट प्रेम में ज्यादा है तो समझ लेना आप हैप्पीनेस के लिए आगे बढ़ रहे हो। दूसरा चेकिंग, ये 4 चेकिंग अपने आप का जरूर कर लेना, यदि आपका इंटरेस्ट पैसे की ओर ज्यादा है तो समझ लेना आप रिचनेस की ओर आगे बढ़ रहे हो, और यदि आपका इंटरेस्ट पुण्य की ओर ज्यादा है तो समझ लेना आप हैप्पीनेस की ओर आगे बढ़ रहे हो। आपको यही होता है कि पैसे इकट्ठे कर ले, पैसे जमा कर ले, भविष्य में काम आएंगे। अरे आज तक बड़े बड़े राजा महाराजा सेठ साहूकार बड़े बड़े धुरंधर चले गए, किसी के काम नहीं आया, आपके क्या काम आए?
क्या कर लोगे आप? और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना, जिसकी दृष्टि हमेशा पैसे के ऊपर है वो हर चीज में अपना स्वार्थ देखता है, हर चीज में अपना फायदा देखता है। मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या प्राप्त हो सकता है, मैं क्या प्राप्त कर सकता हूं, मुझे क्या फायदा हो सकता है, हर चीज में यदि यही ढूंढता रहे तो समझ लेना उसकी दृष्टि, उसकी दिशा रिचनेस की ओर है। और हर चीज में आदमी ये सोचता रहे कि मुझे पुण्य कहां से मिले, तो समझ लेना आप हैप्पीनेस, समझ लेना। पुण्य के 1008 रास्ते हमारे शास्त्रों में हैं। मैं कहता हूं रास्ते बहुत है, भाव होने चाहिए। संपत्ति आपके पास हो ना हो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन भीतर के भाव हो कि मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे कुछ अच्छा काम करना है, मुझे किसी का भला करना है, मुझे किसी के लिए हेल्प करनी है, ये सबसे बड़े पुण्य की निशानी है। और एक चीज दिमाग में स्पष्ट रूप से लिख लेना, आपकी जेब में पैसे हो आपका जीवन चले उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन आपका पुण्य जीवंत हो और आपका जीवन चले उसकी 100% गारंटी है। मैं आपको कहूं, आपने 10-15-20 हजार रुपए की कपड़े की जोड़ी पहनी हो, गले में 1 तोले 2 तोले की चैन हो, हाथ में 1 लाख रुपए का मोबाइल हो, और आप मुंबई जैसे शहर में जाकर के कोई डोरबेल बजाओ, सामने वाला इंसान दरवाजा खोले उसकी कोई गारंटी नहीं। वो पहले देखेगा कौन है, जान पहचान वाला है, हम जानते हैं नहीं जानते, क्या है क्या नहीं, एक बार देखेगा। और देखने के बाद में भी जब तक उसको तसल्ली ना हो तब तक वो दरवाजा नहीं खोलेगा। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि रिचनेस वाला पैसे के पीछे भागेगा, हैप्पीनेस वाला पुण्य के पीछे भागेगा। और दिमाग में ये बात बिठा लेना, जीवन पैसे से नहीं चलता, जीवन पुण्य से चलता है। आप 1 लाख रुपए का मोबाइल, 1 लाख रुपए की गले में चेन, 20 हजार रुपए का सूट पहन के किसी की डोरबेल बजाओ वो खोले उसकी कोई गारंटी नहीं। और हमारे 300 रुपए के कपड़े, हाथ में डंडा, हम यदि कहीं जाकर के दरवाजा खटखटा दे 100% वो खोलेगा उसकी गारंटी है, क्योंकि जीवन पैसों से नहीं चलता, जीवन पुण्य से चलता। दिमाग में ये बात बिठा लेना, जो हैप्पीनेस के रास्ते जाना चाहता है वो पुण्य के लिए मेहनत करेगा, और जो रिचनेस के रास्ते जाना चाहता है वो पैसे के लिए मेहनत करेगा। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ चेकिंग, हमारा इंटरेस्ट कहां, हैप्पीनेस और रिचनेस। तीसरी बात, जिसको रिचनेस में इंटरेस्ट ज्यादा है उसको प्रशंसा में आनंद आए, और जिसको हैप्पीनेस में इंटरेस्ट ज्यादा है उसको पवित्रता में आनंद आएगा। यदि आपको आपकी प्रशंसा सुननी बड़ी अच्छी लगती हो तो समझ लेना आप रिचनेस के रास्ते हो, हैप्पीनेस के रास्ते नहीं, क्योंकि यह संसार है। एक आदमी आपकी प्रशंसा करेगा तो 3 निंदा करेंगे, समझ लेना। और यह भी जरूरी नहीं कि जो आदमी आज आपकी प्रशंसा कर रहा हो वो कल भी आपकी प्रशंसा करे, उसकी कोई गारंटी। दुनिया स्वार्थी है, जरूरत पड़ती है तो गधे को बाप बना लेते हैं, ये लोग हैं संसार में। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आपको यदि प्रशंसा में आनंद आता हो, झूठी मूठी प्रशंसा आपकी करे कोई, आपको पता हो कि मैं बड़ा क्रोधी हूं, लेकिन फिर भी कोई आके कहे कि नहीं भैया आपका स्वभाव तो बड़ा शांत है, और हमारी छाती फूल जाती हो कि नहीं मेरी प्रशंसा कर ली, तो समझ लेना हम रिचनेस के मार्ग। और जिसको पवित्रता में आनंद आता हो समझ लेना वो हैप्पीनेस के रास्ते। भीतर में पवित्रता, भीतर में प्योरिटी जिसके होती है, संसार में वो कहीं पीछे मुड़ के देखता नहीं, आगे ही आगे बढ़ते जाता है। और जिसके भीतर में पवित्रता नहीं है, जिसका भीतर अपवित्र है, मन में कुछ और है, और आज के इंसान की फितरत अलग ही है, वो बोलता कुछ और है, सोचता कुछ और है, और करता कुछ और है, ये आज का इंसान भरोसा नहीं कर सकता। बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ता है। जिसको हमने अपना मित्र माना हो, परम मित्र माना हो, और वो हमारे से कुछ लेकर के गया हो, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए, और वही परम मित्र हमारे फोन उठाना बंद कर दे, ऐसा भी हो सकता है, ये संसार है। आज का आदमी अलग है, उसके दिमाग अलग है, वो सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना रिचनेस और हैप्पीनेस
यदि रिचनेस में इंटरेस्ट होगा तो आप प्रशंसा के पीछे भागोगे, और यदि हैप्पीनेस में इंटरेस्ट होगा तो आप पवित्रता के पीछे भागोगे। आप ये सोचोगे कि जीवन पवित्र कैसे बने। और चौथी और अंतिम बात, यदि रिचनेस में आपका इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो आपको प्रसिद्धि में आनंद आएगा, और हैप्पीनेस में यदि आपका इंटरेस्ट ज्यादा है तो आपको परिवार के साथ आनंद आएगा। आपको आनंद कहां आता है जरूर सोच लेना। आपको यदि निश्चित तौर पर प्रसिद्धि में नामना में आनंद आता है, मेरा नाम हुआ, मेरा नाम लिखा गया, तख्ती पर मेरा नाम आया, मैं ट्रस्टी बन गया, यदि इसमें आपको आनंद आता है तो समझ लेना परमात्मा के शासन के ट्रस्टी बनने के बाद में भी हम यदि रिचनेस को ना छोड़ सके, हमें प्रसिद्धि के मोह को ना छोड़ सके, अरे मैं तो कई बार कहता हूं नाम किसका रहने वाला है। पिछली 24 के भगवानों के नाम हम भूल जाते हैं, किसी का नाम नहीं टिकता। ये संसार है, यहां बड़े बड़े धुरंधर सेठ साहूकार, बड़े बड़े सेठ आकर के, राजा महाराजा आकर के, बड़े बड़े लोग आकर के चले गए, हर चीज समय दुनिया को सब चीज भुला देता है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना, यदि आपको प्रसिद्धि में आनंद ज्यादा आता है तो शायद आपका इंटरेस्ट रिचनेस की ओर है। और निश्चित तौर पर यह भी समझ लेना कि आप परिवार प्रेमी हो, परिवार के साथ में रहते हो, परिवार के साथ में आनंद आता है, तो समझ लेना आपका इंटरेस्ट हैप्पीनेस के अंदर ज्यादा है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, रिचनेस या हैप्पी। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।